वेलकम बैक टू आयुषी सिटर्स और मैं हूँ आयुषी कौशिक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर स्ट्रेटनर के बारे में। सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन काफी ज्यादा घूमता है कि कौन सा हेयर स्ट्रेटनर यूज किया जाए जिससे बाल खराब ना हो, जो किफायती हो, हम घर पर खरीद के खुद अपने बालों को स्ट्रेट कर सकें और आपके बाल बिल्कुल भी खराब ना हो। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब सिर्फ एक है इस वीडियो में। मेरे पास था फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर जो मैंने लास्ट ईयर खरीदा था, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने खुद अपने पैसे से खरीदा था लास्ट ईयर। सो आई डिसाइडेड टू शेयर दिस रिव्यू विद यू ऑल। मुझे लगा ये आपके बहुत काम आएगा क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि कौन सा हेयर स्ट्रेटनर अच्छा है, कौन सा हेयर स्ट्रेटनर बुरा है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप नए हो और लाइक जरूर करके जाइएगा, बहुत मेहनत करी है भाई। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोडक्ट है वो है फिलिप्स का सलून स्ट्रेट एसेंशियल, ये हेयर स्ट्रेटनर आप देख सकते हो। और ये जो है मैं आपको दोनों साइड से दिखा देती हूँ, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो हेयर स्ट्रेटनर है ये मैंने लास्ट ईयर खरीदा था और इसका जो प्राइस है वो इसके बॉक्स पर ज्यादा है। इसके बॉक्स पर इसका प्राइस है 1745, लेकिन आपको ये इससे कम में मिल जाएगा। मैंने ये अमेजोन से लिया था तो आई थिंक 1500-1600 तक का मुझे मिला था। एंड सो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हूँ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि एक इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोडक्ट कैसा है। मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ इसकी सेरामिक प्लेट्स के बारे में। ये सेरामिक प्लेट्स हैं जो इसके अंदर यूज की हुई हैं और ये आपके बालों को टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर पे मेंटेन करके प्रेस करती हैं कि आपके बाल जले ना, नहीं तो अदरवाइज सेरामिक प्लेट्स नहीं होंगे तो आपके बालों में ना शाइनिंग नहीं आती है। ये सलून स्ट्रेटनर की तरह है और ये आपके बालों में शाइन लेकर आता है, ये काफी अच्छी बात है। और दूसरी बात, इसका जो ये नॉब है ये काफी सही है, अच्छी क्वालिटी का है। और ये वाला जो नॉब की बात कर रही थी, ये प्लग काफी अच्छा है और ये जो नॉब है ये मूवेबल है। सो अगर आप अपने बाल सपोज से प्रेस कर रहे हो और तो ये मूवेबल है, रोटेटेबल है और ये रोटेट हो जाता है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये रोटेट नहीं होता है तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है घुमाने में इसको। एंड इसका जो वायर है वो भी काफी लंबा है, देख सकते हो काफी लंबा है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये बेसिक चीजें थी जो एक हर एक हम प्रोडक्ट में हम सोचते हैं कंज्यूमर्स की अच्छा होना चाहिए, किफायती हो। और अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। उससे पहले ये 43 वॉट्स है, 43 वॉट्स, देन 220 वोल्टेज पे काम करेगा, बिल्कुल परफेक्ट इंडिया के लिए। और 50 हर्ट्स जो 60 हर्ट्स पे काम करता है, सो इंडिया में 50 हर्ट्स है तो ये बिल्कुल ठीक। सो फ्रेंड्स, ये तो था एक इंजीनियर की तरफ से फ्री का ज्ञान। अब हम बात कर लेते हैं एज अ रिव्यूअर, और ये मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ क्योंकि आज मेरे बाल थोड़े से फ्रिजी हैं तो मैं आज अपने ऊपर इसे यूज करूंगी क्योंकि मैंने आज कंडीशनर यूज नहीं किया इसी को टेस्ट करने के लिए कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। तो चलिए और इसको यूज कर लेते हैं। सो मैंने अभी इसको इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट कर दिया है, ऑन कर दिया है स्विच, और आप देख सकते हो एक ग्रीन कलर की LED इंडिकेट कर रही है कि ये चल रहा है और सही तरह चल रहा है। ये LED इंडिकेट करती है कि ये चल रहा है या नहीं। इसके अंदर सिर्फ एक ही LED है और यहां पर इसका स्विच है, इससे आप इसे बंद कर सकते हो, ये ऑफ हो गया, और वापस से इसको ऊपर करोगे जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का स्विच है तो ये ऑन हो जाएगा। चीप नहीं है, क्वालिटी इज रियली नाइस। अब इसको हम गर्म होने देते हैं, इसके रिजल्ट देखते हैं अपने बालों पर। सो इसको अपने बालों पर यूज करने से पहले हमें अपने बालों को अच्छे से कोम करना होगा। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप या तो हेयर ब्रश यूज कर लीजिए या सिंपल कोम ले लीजिए, क्योंकि हेयर ब्रश से काफी हेयर फॉल होता है, इसलिए मैं ये सिंपल कोम यूज कर रही हूँ। सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से कोम कीजिए जिससे कि कोई भी टैंगल्स ना बचे, डिटैंगल योर हेयर, एंड देन यू हैव टू पार्ट योर हेयर इन सम सेक्शंस। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज करना चाहते हो, आप प्रोफेशनली यूज करना चाहते हो, एक एक हेयर स्ट्रैंड को स्ट्रेट करना चाहते हो, या अगर जल्दबाजी में हो तो मेरी तरह जल्दी जल्दी हेयर स्ट्रेट करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक एक हेयर स्ट्रैंड लेने की जरूरत नहीं है, पार्ट्स कर लीजिए, 3-4 पार्ट इधर 3-4 पार्ट इधर, और फटाफट से कर लीजिए क्योंकि इतना टाइम नहीं होता।
सो फ्रेंड्स, इसको यूज करने से पहले मैं यूज कर रही हूँ एक हेयर प्रोटेक्टर जो कि है सिंपल हमारा एलोवेरा जेल। ये आपके बालों को हीट से प्रोटेक्ट करता है। आप चाहे तो नेचुरल एलोवेरा जेल जो नेचुरल होता है वो भी यूज कर सकते हो, वो बेस्ट है। ऑल्टरनेटिव में मैं ये यूज कर रही हूँ। और आप चाहे तो कोई भी अच्छा सा हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रेज जो आते हैं आप वो यूज कर सकते हो। उसको सिंपली आपको अपने पूरे बालों पर लगाना है। और आप चाहे तो 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो। इट इज ऑल्सो रियली गुड टू प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम हीट। और चलिए अब इसको यूज कर लेते हैं। ये गर्म हो गया है और यस, ये गर्म है। तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज करके देखती हूँ, क्योंकि मैंने इसको कई बार यूज किया हुआ है इसलिए मुझे पता है कि इसको कितना टेम्परेचर करना है। अभी ये काफी ज्यादा गर्म है तो आप देख रहे हो वन टाइम में ही आपको रिजल्ट नजर आएगा। यू कैन सी, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब इसका जो एक डिसएडवांटेज मुझे नजर आया वो ये है कि ये काफी ज्यादा गर्म हो जाता है यहां से। तो अगर आप इसको पकड़ना चाहो यहां से तो नहीं पकड़ सकते हो, तो ये दिक्कत है। यहां पर एक छोटा सा कुछ होता तो पकड़ने के लिए तो बेटर होता। तो एक डिसएडवांटेज, क्योंकि मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूं इसलिए मुझे पता है ये डिसएडवांटेज नंबर वन। बाकी हेयर भी इसी तरह से स्ट्रेट कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, सिर्फ एक दो मिनट लगाया। और ये वाला और ये वाले के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हो, ये कितने फ्रिजी हैं और ये स्ट्रेट हो गए हैं। तो दे आर लुकिंग एक्सट्रीमली नाइस। और एक शाइन है बालों में, इधर बालों में शाइन नहीं है बट इधर बालों में काफी शाइन है, स्ट्रेट है और मैं कहूंगी कि सॉफ्ट है। और ये आपके बालों को ज्यादा डैमेज नहीं करते हैं क्योंकि सेरामिक प्लेट्स है और हीटअप भी नहीं है। आप देख रहे हो कोई स्टीम नहीं है, कुछ नहीं है, जो भाप टाइप आती है वो कुछ नहीं है इसके अंदर। और ये आपके बालों को डैमेज नहीं कर रहा है। मैं ये कहूंगी कि ये डेली मत यूज कीजिए आप, क्योंकि अगर आप इसको डेली यूज करते हो तो ये आपके बालों को डेफिनेटली खराब करेगा। लेकिन अगर आप इसको वंस इन अ व्हाइल यूज कर रहे हो, लाइक वंस इन अ वीक या वंस और ट्वाइस इन अ मंथ, देन इट्स परफेक्ट, इट्स ओके। आई मायसेल्फ डोंट यूज इट, रियली डोंट यूज इट डेली, बट आई यूज इट लाइक वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। और ये आपके बालों को स्ट्रेट करता है। आपको बताइए, प्राइस इसका सही है, 1500 के हिसाब से आपको अच्छी प्राइसिंग मिल जाती है। एक और आता है प्रोडक्ट जो कि 1000 रुपीज के आसपास आता है, पर्पल कलर में, सेम इसी के जैसा बट कलर इज पर्पल। एंड डिफरेंस इज कि वो थोड़ा पतला है, तो अगर आपके बाल लंबे हैं या वॉल्यूम ज्यादा है तो वो मत लीजिए, क्योंकि वो आपके बालों को सही से कर नहीं पाएगा प्रेस। क्योंकि जैसे अगर मैं इसको ऐसे प्रेस कर रही हूँ तो इसकी अगर ये इसकी जो थिकनेस है वो कम होगी तो आपके बाल काफी कम आएंगे और काफी ज्यादा टाइम लगेगा आपको उन्हें प्रेस करने में। तो ये बेटर है उससे, मैंने उसकी जगह इसको लिया, 500 रुपीज एक्स्ट्रा दिए और इसका परफॉर्मेंस उससे बेटर है। और इसके अलावा ये अब बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, मैं कहूंगी प्राइस के हिसाब से ठीक है, 1500 है। और इसको मैं एक साल से तो यूज कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट है, शाइन है बालों में। और अब कंडीशनर ना करने के बावजूद भी इसने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। और जिनके भी हेयर काफी ज्यादा ड्राई है, काफी ज्यादा फ्रिजी है, वो इसको ट्राई कर सकते हो। डोंट यूज इट डेली, प्लीज डोंट यूज इट डेली, एज इट मेक्स योर हेयर वेरी ड्राई एंड
इट विल जस्ट पुल आउट योर हेयर फ्रॉम योर हेयर रूट्स, क्योंकि ज्यादा हीट अगर आप अपने बालों पर अप्लाई करोगे तो आपकी हेयर फॉल साइड्स भी डैमेज हो सकते हैं. सो डोंट यूज इट डेली. ऑल राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेज नंबर वन, द क्वालिटी इज रियली नाइस, द प्रोडक्ट इज रियली नाइस. जो प्रोडक्ट है वो उसका जो नॉब है, स्विच है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, दैट्स परफेक्ट. सेकेंडली एडवांटेज नंबर टू, द रिजल्ट इज रियली नाइस. अगर आप इसको अच्छे से यूज करते हो कम्प्लीटली, मैंने भी जल्दी जल्दी यूज किया है, तो आपको बहुत सैलून स्ट्रेट लाइक आपको रिजल्ट मिलेगा. और ये काफी टाइम तक आपके बालों पर रहता है जब तक आप अपने बाल वॉश नहीं करते हो. अभी ये दो तीन दिन तक मेरे बाल ऐसे रहने वाले हैं. ऑफकोर्स थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा सा रात को सोने की वजह से भी थोड़ा सा होते हैं बाल खराब, लेकिन परफेक्ट है, अच्छा है और घर पर आप कर सकते हो. हैंडी है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है. मैं कहूंगी दिस इज एन एडवांटेज, क्योंकि आप बाकी हेयर स्ट्रेटनर्स को ले लीजिए, 500-600 की रेंज में आते हैं, उनका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता. मैंने एक और हेयर स्ट्रेटनर यूज किया था जो आई थिंक 500 की रेंज का था, बट उसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, एंड दिस इज रियली सेटिस्फाइंग. सो फिलिप्स की जो ये प्रोडक्ट है ये काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है, क्योंकि मैंने खुद खरीदा है. मुझे लगा कि उस टाइम पर मुझे लग रहा था कि शायद ये कॉस्टली है, लेकिन इसके रिजल्ट के बाद ये ठीक था. सेटिस्फाइंग रिजल्ट इज परफेक्ट रिजल्ट. तो ये वाली बात में. सो फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज नंबर वन, यहाँ पर एक नॉब नहीं है तो ये हाथ जल सकता है इसको स्ट्रेट करते वक्त. सेकेंडली, इसके अंदर ये ऑटोमेटिक प्रोडक्ट नहीं है और ये अपने आप ज्यादा हीट अप हो जाता है और आपको इसे खुद बंद करना पड़ेगा. ये खुद बंद नहीं होता, मैनुअली आपको इसे बंद करना पड़ता है. सो दिस इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोडक्ट, तो इतने प्राइस देकर भी आपको ऑटोमेटिक नहीं मिल रहा, तो दिस इज एन डिसएडवांटेज. दिस इज अ डिसएडवांटेज. देन थर्ड इज कि ये आपके बालों पर अगर आप इसको डेली यूज करोगे, इट विल डैमेज योर हेयर. डोंट यूज इट डेली. डिसएडवांटेज नंबर फोर कि इसकी जो है मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ तो था. हाँ, ये आई रिमेम्बर, एलईडी. आई रिमेम्बर, इसकी एलईडी एक ही है, ग्रीन, रेड वाली नहीं है, तो पता नहीं चलता है कि ये ज्यादा हीट अप हो गया है नहीं हो गया. अगर एक एलईडी प्रोवाइड करती तो पता लगता कि ज्यादा गर्म हो गया है. ऑलराइट, सो दीज वर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टॉकिंग लाइक एन इंजीनियर. ऑलराइट, कमिंग बैक टू अ रिव्यूअर, मैं बात कर रही हूँ कि इसके अंदर परफेक्ट 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 रिजल्ट देने की क्षमता है अगर आप इसको सही तरह से यूज करते हो और टाइम लगा के यूज कीजिए अपने बालों पर. लाइक सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज स्मैश द लाइक बटन राइट नाउ. जल्दी से लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिसको इस वीडियो की जरूरत है, जिनको पता चलेगा कि क्या हमें खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए. सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब. टेक केयर. Bye-bye.